वेलकम फ्रेंड, नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाइयों, काफ़ी सारे लोगों के शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन काफ़ी सारे लोगों को यह पता नहीं होता है कि शरीर में विटामिन के की कमी के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग अपने वक्त पर सही जांचों को कराकर अपना सही इलाज नहीं करा पाते हैं, जिसकी वजह से उनके शरीर में लंबे समय तक विटामिन के की कमी के बने रहने के कारण उनको काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगा कि शरीर में विटामिन के की कमी के हो जाने पर क्या लक्षण आते हैं। तो इस विषय में पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो भाइयों, इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। मूत्र में या मल में खून का आना, अचानक से मस्तिष्क में खून का बहना, उस जगह से खून का आना जहाँ से गर्भ नाल हटाई गई हो, हड्डियों का कमजोर हो जाना, नाक या मसूड़ों से खून का आना, महिलाओं को बहुत अधिक मासिक धर्म का होना, त्वचा में आसानी से नीला निशान पड़ जाना, और भाइयों घाव, त्वचा में छेद, इंजेक्शन की जगह और सर्जरी वाली जगह से असमान रूप से अधिक खून का बहना। तो भाइयों, शरीर में विटामिन के की कमी के हो जाने पर यह सभी लक्षण आते हैं। तो भाइयों, अगर आपको यह लक्षण हैं तो आप सही डॉक्टर के पास जाएं और पूरी जांचों को कराकर सही डॉक्टर से ही इलाज कराएं, उल्टा सीधा इलाज बिल्कुल भी ना कराएं। भाइयों, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो भाइयों आप मुझसे कमेंट करें, मैं आपके हर कमेंट का जवाब जरूर दूंगा। नमस्कार।